हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप मेरी डिवाइन फैमिली बहुत अच्छी होगी और सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और सुरक्षित होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे. ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके लिए स्पिरिट्स क्या मैसेज ला रहे हैं. तो पहले हम मेरे द्वारा क्रिएटेड जो भी ओरेकल्स हैं उनसे मैसेजेस लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है, मेरे ओरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड आपको हम मैसेज चैनलाइज करें. RIP, इफ़ यू टच माय डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वांट टू टेल योर एनिमीज. ओ माय गॉड, ये खुली इंफॉर्मेशन और वार्निंग आप समझ सकते हो. आपके एनिमीज़ को, आपके शत्रुओं को, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं आपके शत्रुओं को कि अगर उन्होंने आपको, जो कि डिवाइन चाइल्ड है, आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं. RIP का मतलब आप समझते हो ना? तो फिर आपके जो एनिमीज़ है ना, उनका RIP होने वाला है. इम्पैक्ट, आप एक काफ़ी ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा करुणा है आपके अंदर, दया है काफ़ी ज़्यादा. स्टील योर एनर्जी, ओ यहाँ पे कोई है जो आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है, कोई आपकी एनर्जी को स्टील करना चाहता है. तो आपको एनर्जी वैम्पायर हो सकता है आपके आसपास कोई. ठीक है, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपके शत्रुओं को आपसे सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी केयरफुल, योर एनिमीज हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम यू. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. समवन इज़ गोइंग टू जेल, ओ माई गॉड, someone is going to jail. friends, there's a very strong message. कोई जेल जाने वाला है. अब ये स्पिरिचुअल जेल भी हो सकती है, मेंटल जेल हो सकती है, या एक्चुअल में लीगल वाली जेल हो सकती है. ठीक है, someone is going to jail, आपसे स्पिरिट्स कह रहे हैं, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं. डेथ स्पेल्स, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, स्पेल वर्क, ओके फ्रेंड्स, आपके ऊपर आपको जान से ख़त्म करने के लिए, ठीक है, मारने के लिए डेथ स्पेल्स करे गए. ऐसे मारण प्रयोग जो तंत्र क्रिया में होते हैं, गंदी चीज़ें मारने वाला, टोने टोटके, और ये शमशान वाले, ग्रेवयार्ड वाले स्पेल्स, जो शमशान होता है ना, कब्रिस्तान या शमशान, वहाँ के स्पेल्स आप पर करे गए. और आपके ऊपर कई तरह के स्पेल वर्क्स करे गए फ्रेंड्स, कई तरह के स्पेल वर्क्स करे गए, ये स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं. स्पिरिट्स आपको ये बताना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक स्पिरिट्स पहुँचा रहे हैं मेरे माध्यम से. ठीक है, गॉड स्पीक्स थ्रू मी, ईश्वर मेरे थ्रू बोलते हैं, आपसे बात करते हैं, ट्रस्ट मी. देयर स्पेल्स बैकफायर्ड टू देम, यस, स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं कि उनके जो भी स्पेल्स हैं वो उनकी तरफ वापस चले गए हैं. डबल, ट्रिपल, 10 times, 100 times, 1,000,000 times पावरफुल होकर के बैकफायर हुए हैं उनके डेथ स्पेल्स, उनके ग्रेवयार्ड स्पेल्स, उनके स्पेल वर्क्स, और अब वो उन्हीं के ऊपर काम करने वाले हैं. ठीक है, अटैक योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पर अटैक करा गया फ्रेंड्स. आपके दिमाग को उलझाने की कोशिश करी गई है, आपको नेगेटिविटी में उलझाने की कोशिश करी गई है, आपको भ्रम में रखने की कोशिश करी गई है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे स्पिरिट्स कह रहे हैं.
अब हम देख लेते हैं कौन से लेटर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं या कौन से नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। एक बार शफल करके मैं निकाल लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 3-4 निकालूँगी। सो यहाँ पे आए हैं लेटर एम, ए, के, ई, बी। आई एम लिसनिंग, मेक इट बिग, मेक इट बिग, या। सो फ्रेंड्स, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं टैरो कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जिन लोगों ने आपके ऊपर गंदे स्पेल्स किए हैं, अभी फ़िलहाल उन लोगों का क्या हालचाल है, पता लगा लेते हैं टैरो से। डियर स्पिरिट्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके जो भी एनिमीज़ हैं, जो उनके ऊपर ईविल थिंग्स कास्ट कर रहे हैं, अभी उनका क्या हालचाल है, अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। या सी द मून, द मून की एनर्जी है फ्रेंड्स। द मून टॉक्स अबाउट सीक्रेट्स, द मून टॉक्स अबाउट मदर, द मून टॉक्स अबाउट मून साइकिल, ठीक है, समथिंग हैज टू डू विद अमावस्या, पूर्णमासी, ठीक है। तो हो सकता है ये लोग जो भी कुछ करते हैं, जो भी ईविल एक्ट करते हैं ना, ये अमावस्या या पूर्णमासी के दिन आपके लिए जो भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, बट अभी ये लोग फिलहाल ओके, एक्चुअली ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट हैं अपनी लाइफ से, काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं, ठीक है। इनको हताशा है आपकी ग्रोथ को देखकर, है ना। ये आपको इस पोजीशन में देखना चाहते थे, बट अभी ये चीज़ बैकफायर हुई है। तो अभी फ़िलहाल ये लोग इस पोजीशन में हैं, ये अपनी ब्लेसिंग्स को देखने में सक्षम नहीं है, ये अपनी ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये लोग ऐसे भ्रम जाल में, जो भ्रम जाल इन्होंने आपके लिए बिछाए थे, वो सब कुछ बैकफायर हो गया है फ्रेंड्स। ये आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने में सक्षम नहीं है फ्रेंड्स। आपके लिए जो डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, वो डिवाइनली, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, टोटली डिवाइनली ब्लेस्ड। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो टोटली हेवन से आ रही हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और आप टोटली ब्लेस्ड हो, जिसको रोक पाने की क्षमता किसी में नहीं है। सी, इन लोगों ने जो कुछ भी नेगेटिव ईविल चीज़ें आपके ऊपर करी ना, उन चीज़ों का रिजल्ट देखने का इनको इंतज़ार था, और ये इंतज़ार ही करते रह गए, क्योंकि उस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आया। या बिकॉज ये सारी चीज़ें ईविल हैं, है ना। सी फ्रेंड्स, या ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, और ये ब्लेसिंग्स आपकी भर भर के आ रही हैं, और इनको रोकने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि ये फैमिली के लोग हैं, ठीक है। दिस कार्ड एक्चुअली टॉक्स अबाउट फैमिली, सो यस, ये फैमिली के ही लोग हैं जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की, और आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लानिंग प्लॉटिंग करी। सो जजमेंट, डिवाइन का ये फैसला है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, और वही इन लोगों का कर्मा है। दे हैव टू फेस देयर कर्मा, दे हैव टू सी यू बीइंग ब्लेस्ड, ठीक है। द वर्ल्ड कंप्लीशन, आपने अपने कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हैं इन लोगों के साथ, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, आपने एक पूरी साइकिल कंप्लीट करी है, आपने अपने जो भी कर्मास थे ना, जो कार्मिक साइकिल्स थे, जो आपको एक्चुअल में फेस करने थे, आपने पूरे फेस करे हैं, ठीक है। दे
टोटली प्लान टू स्लो यू डाउन, आपको स्लो डाउन करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया बट कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सी या हो सकता है ये एक्चुअली ये मुझे कोई आउटसाइडर भी दिख रहे हैं, फैमिली के तो लोग हैं ही और साथ में एक कोई आपके कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप पर क्रश हो, कुछ सिचुएशनशिप भी हो सकती है ना, क्योस अभी उनकी लाइफ में ये हाल है, अभी उनकी लाइफ में क्योस है, अभी उनकी लाइफ में लड़ाइयाँ मची हुई हैं, आपस में लड़ रहे हैं वो, आपको देख रहे हैं कि आप स्पॉटलाइट में हो, ठीक है, आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि दैट यू आर शाइनिंग लाइक दिस डायमंड, यू नो दे हैव ट्राइड टू प्रेशराइज यू एज मच एज दे कैन बट दे कुडंट, ठीक है, तो आपके लिए यही यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। इन लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव मैजिक करने की कोशिश करी, आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करी बट पॉसिबल नहीं हो पाया फ्रेंड्स। माई थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक, तो समबडी डजंट वॉन्ट मी टू स्पीक, कोई चाहता है जो मैं आपसे ये चीज़ें बताऊँ ना, ठीक है, और आप लोगों को ये चीज़ें ना पता चले, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको ना पता चले, ठीक है, बट ऐसा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वी आर डिवाइनली गाइडेड एंड वी आर डिवाइन फैमिली, सो जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। या फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी पूरी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश करी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड हैं, पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, और आप पूरी तरह से डिवाइन की एनर्जी को धारण करते हैं अपने अंदर और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आप चलते हैं। फिलहाल इन लोगों ने सब कुछ करके देख लिया और ये आपका कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरह से अभेद्य हो, ठीक है, या इससे अच्छा वर्ड मैं नहीं बोल सकती थी कि अभेद्य हो, ठीक है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो प्रोटेक्शन की जो एक घेरा है उसको भेदा नहीं जा सकता, उसको वो जो सुरक्षा कवच है ना वो इतना पावरफुल है, आपका ऑरा इतना पावरफुल है, इतना पॉजिटिव कर दिया है आपने कि उसको किसी भी तरह की ईवल चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल इन लोगों ने अपने लिए ही सारे गड्ढे खोद लिए हैं और अभी फिलहाल इन लोगों को ही ये सब कुछ बेयर करना पड़ेगा, खुद ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो कहावत है ना वो बिल्कुल लाइव एग्जांपल आप देखोगे कि जो कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रीडिंग, ये सारे मैसेजेस मैंने चैनल किए, तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड स्टे डिवाइनली गाइडेड, ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक ब्लेसिंग हो अपनी लाइफ में भी और जो आपके आसपास लोग हैं उनकी लाइफ में भी, ठीक है फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से लोगों के प्रति दया का भाव रखते हो, आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक इम्पैक्ट हो और एक हीलर भी हो और आप अपने ईश्वर के बताए हुए राह पे चलते हो और ऐसे ही चलते रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।